परंपरा को स्वीकार या अस्वीकार करना बहुत आसान है, परंतु परंपरा को आधुनिक विचारों के साथ संयोजित करने के लिए जरूरी है रचनात्मकता, दृष्टि और विभिन्न दौर का ज्ञान। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्री हितेश सोमपुरा, इनको सैल्यूट मुंबई 2005 अवार्ड से नवाजा गया। ये विभिन्न शैली की श्रेष्ठता को विभिन्न टेक्नोलॉजी की मदद से संयोजित करते हैं और अपने लाक्षणिक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के जरिए 21वीं सदी के सामने प्रस्तुत करते हैं। हितेश उन चंद गिने चुने आर्किटेक्ट्स में से हैं जिनके पास मॉडर्न ट्रेडिशनल दोनों ही आर्किटेक्चर की शैली का महाव्रत है, क्योंकि इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की उपाधि प्राप्त की है और उनके परिवार का परंपरागत भारतीय आर्किटेक्चर में भव्य इतिहास है। हितेश जी का सोमपुरा परिवार पिछली 12 पीढ़ियों से भारत में सुंदर मंदिरों का निर्माण कर रहा है। उजूबे के समान राणकपुर मंदिर, सोमनाथ मंदिर और माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोमपुरा परिवार के पूर्वजनों ने सदियों पहले किया। उनके परिवार में मंदिर स्थापत्य की तालीम वंश परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है। हितेश जी के दादा और पिता स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद सोमपुरा भारत के अग्रणी टेंपल आर्किटेक्ट थे। उन्होंने भारत में कई सुंदर मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया, जैसे कि थाने का जैन देरासर, दहाणु का श्री महालक्ष्मी मंदिर और मुंबई की श्री वल्लभ निधि ट्रस्ट हवेली। बचपन से ही हितेश अपने पिता और दादा के साथ उनके मंदिर की साइट पर जाते। सिर्फ 6 वर्ष की आयु से उन्होंने शौकिया तौर पर अपने दादा के मार्गदर्शन के अनुसार मंदिरों के स्केच बनाना शुरू किया। सोमपुरा परिवार के उत्तराधिकारी होने के कारण उन्हें मंदिरों का निर्माण करने के लिए आर्किटेक्चर की डिग्री की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आर्किटेक्चर उनके लिए सिर्फ मंदिर या इमारतें बनाना नहीं है, पर जीने का एक अंदाज है, सोचने का एक ढंग है। हितेश बचपन से एक विचारक है और वो जानना चाहते थे कि उनके मन में आने वाले विचारों को कला का स्वरूप कैसे दिया जाए, और यही रचनात्मक प्रक्रिया उन्होंने कमला रहेजा कॉलेज में 5 वर्ष आर्किटेक्चर का अभ्यास करते समय सीखी। कॉलेज के उन वर्षों में उन्हें मॉडर्न आर्किटेक्चर की तालीम कॉलेज में और परंपरागत मंदिर के आर्किटेक्चर की तालीम अपने घर अपने परिवार से मिली। कॉलेज में उन्होंने मॉडर्न तकनीक और शैली से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्कूल, म्यूजियम वगैरह की प्लानिंग की। 1998 में उन्होंने कॉलेज का अभ्यास समाप्त कर मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने पुणे और आंध्र प्रदेश में मंदिरों का निर्माण किया। सन 1999 में उन्होंने अमेरिका का प्रवास किया और वहां के आर्किटेक्चर का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि निर्विवाद योग्यता के बावजूद भारतीय आर्किटेक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित नहीं है, जबकि यूरोपियन और इजिप्शियन शैली विश्व भर में आज भी प्रचलित है। इस प्रवास में उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि वो योगा की तरह भारतीय आर्किटेक्चर को भी ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बनाएंगे। अपने इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए उन्होंने मंदिर स्थापत्य के इस परंपरागत क्षेत्र में
आधुनिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक नई क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने कंप्यूटर पर मंदिरों के सर्वप्रथम कंप्यूटराइज्ड ड्राइंग्स, 3D मॉडल्स और वॉक थ्रूज बनाए। उन्होंने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जो मंदिर स्थापत्य में जरूरी ऐसी गणनाएं कंप्यूटर पर पल भर में कर सकते हैं जिन्हें पहले घंटों लगा करते थे। सन 2005 में अपने पिता के स्वर्गवास के बाद हितेश जी ने अकेले हाथ अपने परिवार की 12 पीढ़ियों से चली आती परंपरा को कायम रखते हुए सुंदर मंदिरों का निर्माण किया, जिनके उदाहरण हैं श्री निजा सेवाश्रम मंदिर मुंबई में, जो अनोखा है क्योंकि वो परंपरागत मंदिर का एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न स्वरूप है। बालासिनोर की श्री मदन मोहन हवेली एक मार्गदर्शक उदाहरण है कि परंपरागत और आधुनिक आर्किटेक्चर के मटेरियल्स और शैलियों को कैसे संयोजित किया जाता है। मुंबई के प्रसिद्ध श्री मुक्तेश्वर मंदिर को हितेश जी ने सन 2006 में पत्थर के सुशोभन से एक नया स्वरूप दिया। आर्किटेक्चर के उपरांत वो इंटीरियर डिजाइन और पेंटिंग्स भी बनाते हैं। हितेश जी आज अग्रणी कॉरपोरेट्स और आर्किटेक्ट्स के साथ कार्य कर रहे हैं। इंटरनेट पर उनकी वेबसाइट www.sompura.com पर उनके कार्य की झलक देखी जा सकती है। उनका मानना है कि किसी भी कला को प्रसिद्ध करने के लिए उसे आम जनता तक भी पहुंचाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने विषय को कला के विभिन्न स्वरूप में प्रस्तुत किया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका आनंद ले सकें। उन्होंने अपने विषय के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई, यू एंड आर्किटेक्चर नामक पुस्तक और कविताएं भी लिखी हैं। ये लघु फिल्म्स, पुस्तक और कविताएं मंदिर स्थापत्य के रहस्य को सरल, संक्षिप्त और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में उनकी सोमपुरा आर्ट होम नामक आर्ट गैलरी प्रसिद्ध है। यहां वो उनका कार्य जैसे ड्रॉइंग्स, मॉडल्स, शिल्प, पेंटिंग्स, फर्नीचर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और किताबें प्रदर्शित करते हैं। उसके उपरांत वे यूनिवर्सिटी में भाषण, वर्तमान पत्रों में लेखन और प्रदर्शन का भी आयोजन करते हैं। कई वर्तमान पत्रों और टेलीविजन चैनल्स ने उनकी प्रतिभा और कार्य की सराहना की है। विश्व भर की यूनिवर्सिटियां उनसे परंपरागत भारतीय आर्किटेक्चर का मार्गदर्शन लेती हैं। आर्किटेक्चर में उनके इस विशेष योगदान के लिए उन्हें मई 2005 में भूतपूर्व सांस्कृतिक मंत्री स्वर्गीय श्री प्रमोद नवलकर के हाथों सैल्यूट मुंबई 2005 के अवार्ड से नवाजा गया था। परंपरागत आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये राजनीतिज्ञों, फिल्म स्टार्स और धर्मगुरुओं के साथ सामाजिक प्रवृत्तियों में कार्यरत हैं। 33 साल के हितेश जी ने अपने परिश्रम और अध्ययन से परंपरागत भारतीय स्थापत्य की चोटी पर अपना मकाम बनाया है। उनका स्वभाव सरल, नम्र और आध्यात्मिक है। वो मानते हैं कि जब हम बांसुरी की तरह बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तब प्रभु की दिव्य फूंक आती है हम में दिव्य संगीत जगाने के लिए।